स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। आज हम कक्षा 12वीं भौतिकी का दूसरा अध्याय चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता या वैद्युत धारिता। देखिए, सबसे पहले इसमें पढ़ना हमें वैद्युत विभव एवं विभवांतर, इन दोनों में क्या अंतर है। तो समझिए कि इसका भौतिक मतलब क्या है कि विभव और विभवांतर में। सबसे पहले देखते हैं कि वैद्युत विभव, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि किसी आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र है जिसमें वो आवेश अपना प्रभाव दिखा सकता है या दूसरा आवेश वहाँ वैद्युत बल महसूस कर सकता है, उसको बोलते हैं हम वैद्युत क्षेत्र। तो ये जो आवेश है जिसके चारों तरफ हम वैद्युत क्षेत्र बनाए थे, ये अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इसी के प्रभाव के आकलन के लिए हम वैद्युत विभव पढ़ते हैं, ठीक है क्या। हम ये जानना चाहते हैं कि उस आवेश का प्रभाव हर जगह पर कितना कितना मात्रा में है। पास में बिंदु है उस पर क्या प्रभाव है, दूर पर बिंदु है उस पर क्या प्रभाव है, और यही वैद्युत विभव ये तय करेगा कि आवेश का प्रवाह किस दिशा में होना चाहिए, ठीक है क्या। जैसे ताप में पढ़ते हैं कि ताप के प्रवाह होने के लिए ऊष्मा में पढ़ते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह होने के लिए ताप में अंतर चाहिए, ठीक है क्या। पानी के प्रवाह होने के लिए ऊंचाई में अंतर चाहिए, वैसे ही आवेश के प्रवाह होने के लिए विभव में अंतर चाहिए, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। तो विभव वह राशि है जो यह डिसाइड करेगा कि आवेश का प्रवाह किस तरफ से किस तरफ होना चाहिए, ठीक है क्या। चलिए देखिए इसको किस तरीके से मापा जाता है। देखिए, वैद्युत विभव एवं विभवांतर में सबसे पहले हम देख रहे हैं वैद्युत विभव। एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बाहरी क्षेत्र में क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए, आप एकांक धनात्मक आवेश के जगह परीक्षण आवेश भी लिख सकते हैं। देखिए, ये कोई बाहरी क्षेत्र है, क्यू आवेश के कारण बाहरी क्षेत्र है इसके चारों तरफ, ठीक है क्या। अब देखिए, हमने अनंत से किसी परीक्षण आवेश अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु A पर लाते हैं। जब इस बिंदु A पर लाएंगे, जो कि बाहरी क्षेत्र में है, लाएंगे तो ये क्षेत्र उसको रोकेगा, ये क्षेत्र उसको रोकेगा, तो क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं। तो यहाँ से अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बाहरी क्षेत्र में क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, यहाँ जो किया गया कार्य है उसको हम मान लेते हैं कि हम परीक्षण आवेश को कहाँ से लाए हैं, अनंत से किसी बिंदु A पर। तब क्या होगा, बिंदु A का विभव ये हो जाएगा W अनंत से
ए तक। देखिए कुल मिला क्या बोल रहा है, कार्य प्रति एकांक आवेश को ही क्या कहेंगे, वैद्युत विभव। अब ध्यान से समझिए, यदि यदि परीक्षण आवेश धनात्मक एक कूलम्ब हो जाता तो इस धनात्मक एक कूलम्ब को यहाँ रखने पर क्या मिल जाता हमें, वी ए बराबर डब्लू ए अनंत। इसी को परिभाषा में लिखा है, देखिए एकांक धनात्मक आवेश को, एकांक धनात्मक आवेश को किसी बाहरी क्षेत्र में क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो एकांक धनात्मक आवेश को जब लाते हैं तो कार्य ही विभव के बराबर हो जाता है। अगर आपने एकांक धनात्मक आवेश नहीं लाया है, कोई परीक्षण आवेश क्यों नॉट लाया है, तो क्या हो जाएगा, कार्य प्रति एकांक परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश के जगह एकांक धनात्मक रख दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यही इसके परिभाषा में लिखा हुआ है, ठीक है क्या। तो इस तरीके से मापा जाता है वैद्युत विभव को, ठीक है। अब इसका इकाई देखना चाहें, इकाई वी ए का, तो ये ऊपर है कार्य और नीचे है आवेश। कार्य का इकाई होता है जूल और इसका होता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम इसका इकाई हो गया और इसी को बोला जाता है वोल्ट, इसी को बोला जाता है वोल्ट। जूल प्रति एकांक कूलाम या जूल पर कूलाम को ही दूसरा नाम क्या बोला जाता है, वोल्ट। अगर आप किसी दूसरे बिंदु बी का देखना चाहते हैं तो परीक्षण आवेश को अनंत से इस जगह पर लाने में, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहेंगे, बिंदु बी का विभव, बिंदु बी का विभव। यहाँ भी आप सेम इसी तरीके से ए का है तो ए का, बी का होता, बी का होता क्या लिखते, वी बी बराबर डब्लू बी अनंत बटे क्यू नॉट, इस तरीके से हो जाता, ठीक है। अब देखिए विभवांतर, तो ये था वैद्युत विभव जिसके लिए केवल एक बिंदु चाहिए, विभवांतर, विभव में अंतर, तो दो बिंदुओं के बीच होता है जो अंतर है। चलिए देखिए ये क्या बोलता है, एकांक धनात्मक आवेश को किसी बाहरी क्षेत्र में, बार बार बाहरी क्षेत्र इसलिए बोल रहा है क्योंकि क्यू नॉट का भी अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है क्या, क्यू नॉट का भी अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन उसे हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हमें बाहरी क्षेत्र किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र के विरुद्ध ले जाना है, ठीक है क्या। परीक्षण आवेश ऐसे लिया जाता है कि इसका खुद का, इतना कम लिया जाता है परीक्षण आवेश को ताकि इसका खुद का जो वैद्युत क्षेत्र है वो नगण्य रहे, मतलब इसका मान बहुत अल्प होना चाहिए ताकि ये बाहरी क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके। एकांक धनात्मक आवेश को किसी बाहरी क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक है। एकांक धनात्मक आवेश को किसी बाहरी क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब देखिए हमने यहाँ क्यू आवेश बना दिया जिसके तार चारों तरफ क्षेत्र है, ये बाहरी क्षेत्र हो गया,
अब यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, तो क्या बोल रहा है देखिए, किसी परीक्षण आवेश को आप अगर बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाते, अब परीक्षण आवेश को हम मान लेते कि क्यू नॉट को आपने ले गया है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक, तो परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, ए के ए और बी के बीच का विभवांतर ये बराबर है डब्लू ए से बी तक ले जाने में बटे परीक्षण आवेश। इसका मतलब दोनों ही कार्य प्रति एकांक आवेश है, दोनों ही कार्य प्रति एकांक आवेश है। ध्यान देंगे परिभाषा कैसे लिखा गया है, यदि क्यू नॉट बराबर एकांक धनात्मक आवेश हो जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता, वी ए बी बराबर डब्लू ए बी, इसी को परिभाषा में लिखा गया है। देखिए एकांक धनात्मक आवेश को बाहरी क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, बाहरी क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक है क्या। अब देखिए अगर आप ए बिंदु से बी बिंदु तक ले गए हैं, ए बिंदु से बी बिंदु तक ले गए हैं, तब जो आप डब्ल्यू ए बी लिख रहे हैं उसको ऐसे लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए, जहां पहुंचे हैं वहां का विभव ऋण, जहां से आ रहे हैं वहां का विभव, ठीक है क्या। इसका भी हम अगर इकाई देखना चाहें वी ए बी का, इकाई वी ए बी ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नॉट, इसका भी इकाई जूल बटे कूलम्ब, यानी कि इसका भी इकाई क्या हो गया, वोल्ट हो गया, इसका भी इकाई क्या हो गया, वोल्ट, दोनों की इकाई में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है, इसका भी इकाई वोल्ट और इसका भी इकाई वोल्ट। अब आपको कह सकता है कि एक वोल्ट को परिभाषित करिए, एक वोल्ट को परिभाषित करिए, तो आप एक वोल्ट को देखिए यहाँ से भी और वहाँ से भी, आप यहाँ देखिए वोल्ट क्या है, जूल प्रति कूलम्ब, तो एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलम्ब लिख सकते हैं, ठीक है, एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलम्ब। यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जूल पर कूलम्ब ही वोल्ट है, तो यहाँ भी एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलम्ब। आप एक वोल्ट को यहाँ से भी परिभाषित कर सकते हैं और यहाँ से भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए एक वोल्ट की परिभाषा मैं क्या लिख रहा, अगर एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से बाहरी क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में एक जूल का कार्य करना पड़े, तब उस बिंदु का विभव एक वोल्ट कहलाता है। देखिए क्या लिखा है, अगर एकांक धनात्मक आवेश को एक कूलम्ब को, क्योंकि देखिए वन वोल्ट बराबर क्या लिखे हैं, एक जूल बटे एक कूलम्ब, तो एक कूलम्ब को अनंत से बाहरी क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में एक जूल का कार्य करना पड़ते, तब उस बिंदु का विभव को एक वोल्ट कहेंगे, ठीक है क्या। यहाँ से एक वोल्ट को परिभाषा करना बोले, एक वोल्ट
तो क्या लिखेंगे देखिए यहां से, अगर एकांक धनात्मक आवेश को किसी बाहरी क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल का कार्य करना पड़े, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट कहलाएगा। तब उन दोनों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट कहलाएगा। देखिए क्या लिखा है, एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलम। तो एकांक धनात्मक आवेश को, एक कूलम को, बाहरी क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल का कार्य करना पड़े, तब इन दोनों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट कहलाएगा। तो आप इसको, वो एक वोल्ट को विभव से भी परिभाषित कर सकते हैं और विभवांतर से भी परिभाषित करते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बोलता है कि परिभाषित कीजिए एक वोल्ट विभव को, तो आप इसी को लिखना पड़ेगा, या बोल दीजिए कि परिभाषित करिए एक वोल्ट विभवांतर को, तब आपको इसी को ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या केवल एक वोल्ट बोलता है तो दोनों में से आप किसी भी चीज से एक वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन लिख दिया कि एक वोल्ट विभव को परिभाषित कीजिए, तो आपको विभव से ही परिभाषित करना पड़ेगा, या बोल दिया कि एक वोल्ट विभवांतर से परिभाषित कीजिए, तो आपको विभवांतर से ही परिभाषित करना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, मान लेते हैं कि यह कोई बिंदु आवेश है Q, और इस बिंदु आवेश के कारण हमें किसी दूरी r पर ठीक है क्या, जिसको हम A मान लेते हैं, किसी बिंदु A पर जो कि r दूरी पर स्थित है, यहां हमें वैद्युत विभव निकालना है, यहां हमें निकालना है वैद्युत विभव इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो हम क्या करते हैं, अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा में क्या है, परिभाषा में है कि अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, वह कार्य प्रति एकांक परीक्षण आवेश में इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। मतलब हमने ऐसा पढ़ा है कि वैद्युत विभव A का, तो अनंत से A बिंदु तक लाने में प्रति एकांक परीक्षण आवेश इस तरीके से, ठीक है क्या। तो हम पहले मान लेते हैं कि किसी दूरी x पर यह हमारा परीक्षण आवेश स्थित है, किसी दूरी x पर हमारा परीक्षण आवेश स्थित है, ठीक है, यहां पर है परीक्षण आवेश, ठीक है, यहां पर है परीक्षण आवेश। उसको हल्का दूरी x ले जाके देखते हैं, dx ले जाके देखते हैं, अल्प दूरी dx अगर इसको खसका के देखें तो कितना कार्य करना पड़ेगा, फिर हम कुल कार्य की गणना कर लेंगे। अगर हम जो x दूरी पर आवेश है उसको हम dx दूरी से अल्प अवयव खसका के देखते हैं कि कितना कार्य करना पड़ा, फिर हम इसको समाकलन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, अनंत से इस बिंदु तक लाने में। पहले हल्का दूरी चला के देख लेते हैं कि हल्का दूरी अल्प अवयव खसकाने पर कितना कार्य करना पड़ता है, उसको समाकलन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, अनंत से इस बिंदु आर तक ले जाने में, तो हमारा कुल कार्य जो है वो निकल जाएगा। चलिए देखिए, माना
परीक्षण आवेश मूल आवेश से मूल आवेश Q से X दूरी पर स्थित है। परीक्षण आवेश मतलब Q नॉट, ठीक है क्या? तब Q नॉट को अल्प दूरी dx ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है क्या? तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। कार्य होता है बल गुणित विस्थापन, तो हमने लिख दिया कि बल गुणा विस्थापन, विस्थापन कितना है, बहुत कम है, अल्प है। हम इसके सामने माइनस लगा दिए हैं, माइनस इसलिए क्योंकि ये धनात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है, जब लाएंगे तो ये रुकेगा। हमने परिभाषा में लिखा है कि क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसलिए कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये बतलाता है कि क्षेत्र और विस्थापन की दिशा अपोजिट है, विपरीत है, ठीक है। ये दिशा है क्षेत्र की, क्योंकि यह धनात्मक आवेश है सब तरफ से बाहर की तरफ, और ये उसके विरुद्ध ला रहे हैं, इसलिए सामने हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, है ना। ऋणात्मक चिन्ह, निगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है कि क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ठीक है क्या। अब दो देखो, बल कितना लगेगा, इस दूरी पर है तब बल कितना लगेगा, देखिए बल सामने माइनस है, 1/4πε0 Q Q0 / x² dx, 1/4πε0 Q1 Q2 / r², ये कूलाम का नियम है, ठीक है क्या। दोनों तरफ समाकलन करने पर तो ये है dW, ये खत्म होकर W बन जाएगा, -1/4πε0 Q Q0, ये तो नियत राशि है, बच गया कौन, 1/x² dx। अब देखिए इसका कहाँ से कहाँ तक करना है, कहाँ परिभाषा में लिखा है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, तो हम अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, r तक, ऐसे बिंदु तक जो कितने दूरी पर है, r, यहाँ से अनंत, यहाँ से जो अनंत पर है वहाँ से, और यहाँ से जो r है यहाँ तक ला रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर हम ऐसा कर रहे हैं, मान लेते हैं कि अनंत है, अनंत से इस बिंदु तक ला रहे हैं, तो ये बिंदु इससे कितने दूरी पर है, अनंत, ये कितने दूरी पर है, r, तो अनंत से r तक लाने में, अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा W, ये हो जाएगा -Q Q0/4πε0। अब देखिए इंटीग्रेशन 1/x², देखो इंटीग्रेशन x^n dx, ये बराबर होता है x^n+1/n+1। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अनंत से r तक x^-2dx, x^(2), इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात कितना हो जाएगा, ऋण, अब इसमें रख रहे हैं, देखिए कैसा है, x^(-2dx) ऐसा हुआ, तो x^(-2^(1/-2^1), n का मान क्या है, -2 है, तो ये क्या हो गया, x^-1/-1, तो इसको माइनस, ये माइनस सामने आ गया,
एक्स का घात माइनस वन, एक्स का घात माइनस वन का मतलब माइनस एक बटे एक्स, इसको ऊपर ले जाएंगे घात में माइनस वन तो नीचे ला सकते हैं, है ना। मतलब एक बटे एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर माइनस एक, एक्स के घात माइनस एक, ठीक है। तो ऐसा लिखा है उसको ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। और ये माइनस वन है, माइनस सामने आ गया, तो देखिए ये क्या हो गया, क्यू क्यू नॉट बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस है, और यहाँ क्या आ गया माइनस एक बटे एक्स, माइनस एक बटे एक्स कहाँ से कहाँ तक, अनंत से आर तक। ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो क्या हो गया, कार्य बराबर क्यू क्यू नॉट बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस खत्म हो गया, एक बटे एक्स अनंत से आर तक। तो W बराबर Q Q नॉट बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक बटे आर माइनस एक बटे इन्फिनिटी। पहले इसका मान माइनस इसका मान, ठीक है। एक बटे अनंत होता है शून्य, तो क्या हो गया Q Q नॉट बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक बटे आर। क्यू नॉट को इधर ले जाइए तो ये क्या लिखेंगे, डब्लू बटे क्यू नॉट, डब्लू बटे क्यू नॉट, तो ये क्या बच गया वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। और डब्लू प्रति एकांक परीक्षण आवेश को बोले थे विभव, तो ये क्या हो गया एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। इसी की हमें गणना करना था कि देखिए क्या लिखा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु ए पर हमने क्या निकाला है, विभव निकाला है आर दूरी पर जो स्थित है। तो कितना आया एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, डब्लू बटे क्यू को ही हम विभव कहे थे, ठीक है। तो ये है आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है क्या। चलिए अगला देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो इसमें दो केस पढ़े थे, एक अक्षीय स्थिति में एक निरक्षीय स्थिति में। तो पहला देखते हैं अक्षीय स्थिति पर। पहले हम विभव का जो सामान्य जनरल फॉर्मूला है उसको लिख ले रहे हैं। विभव का हमारा जनरल फॉर्मूला है V बराबर एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, जिसको अभी हमने इसकी गणना की है, इसी का उपयोग करना है अक्षीय स्थिति पर। तो एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, ये है माइनस Q, ये है प्लस Q, इन दोनों के बीच का दूरी है दो a लेते आ रहे हैं, तो ये वाला भी a हो जाएगा और ये वाला भी a हो जाएगा। अक्षीय स्थिति पर हमने कोई बिंदु P लिया है, अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P लिया है जो कि इसके केंद्र से R दूरी पर स्थित है, जो कि इसके केंद्र से R दूरी पर स्थित है। हमें P बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है, है ना। P बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना, ठीक है। P बिंदु इसके अक्ष के दिशा में है, इसलिए अक्षीय स्थिति, ऐसे होता तो निरक्षीय स्थिति। तो ध्यान रखिए कि विभव जो है, ठीक है क्या, विभव जो है अदिश राशि है, वैद्युत विभव या विभवांतर दोनों कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसका कोई भी दिशा नहीं होता है। तो देखिए प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो वी इसको नाम दे दे रहे हैं वी प्लस, तो क्या लिखेंगे वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, ये जो आर है वो कहाँ है, दूरी है, यहाँ जो आर बनाए हैं वो वाला आर नहीं है,
ये वाला आर बताता है कि जिस बिंदु पर निकाल रहे हो उस बिंदु से आवेश की दूरी कितना है। तो देखिए ये है वो दूरी, प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं पी पर तो ये दूरी काम करेगा, माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं पी पर तो ये दूरी काम करेगा। ये दूरी कितना है, आर में से ए को घटा दो, आर माइनस ए पहले भी किए थे, ये दूरी कितना है, यहां से यहां देखो माइनस क्यू से तो ये हो जाएगा आर प्लस ए, तो हमें पहले प्लस क्यू के कारण तो आर माइनस ए, अब क्या लिख रहे हैं माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, तो कितना हो जाएगा v माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस ए, ठीक है क्या, यहाँ आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये आवेश कितना है माइनस है, तो हमें क्या लिखना है इन दोनों के बीच की दूरी आर प्लस ए है। बिंदु पी पर कुल विभव, तो v बराबर v प्लस प्लस v माइनस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या आ गया v बराबर 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r माइनस a, इसका ये माइनस आ जाएगा 1 बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r प्लस a, जो उभयनिष्ठ है बाहर निकाल लीजिए 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है q जो बाहर आ गया, अंदर बचा क्या 1 बाई आर माइनस ए माइनस 1 बाई आर प्लस ए, तो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन एलसीएम ले लेते हैं दोनों का गुणनफल को, r माइनस ए आर प्लस ए, पहला टर्म क्या आएगा r माइनस ए से r माइनस कट जाएगा r प्लस ए माइनस r माइनस ए, ठीक है क्या, तो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन r प्लस ए माइनस r प्लस ए डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो यहाँ क्या है r का वर्ग माइनस a का वर्ग, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो v क्या बचा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बचा 2a और यहां बचा r का वर्ग ऋण a का वर्ग। ध्यान होगा द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर 2qa पढ़े थे, तो 2qa की जगह हमने p रख दिया, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर का वर्ग ऋण ए का वर्ग, ये हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में बोलता है, देखो आपके बुक में क्या है, हर जगह के यूज़ किया है, यहाँ पर के लिख दिया है, यहाँ पर के लिख दिया है, यहाँ पर के, हर जगह के लिख दिया है, आप पहले ऐसे कर लीजिए फिर बोल दिया जाए कि यदि द्विध्रुव के पैराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तब इसी फॉर्मूले में यहां के लिख देना आप, v बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बटे r का वर्ग ऋण a का वर्ग, ठीक है क्या, तो बहुत सारे बुक में ये वाला दिया रहता है, बहुत सारे बुक में ये वाला दिया रहता है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी माध्यम में बोला जाएगा तो उसको भाग दे देना, किससे, के से भाग दे देना। अब इसी को बोल दे लघु द्विध्रुव के लिए, तो आपको पता है कि लघु द्विध्रुव के लिए क्या किए थे, लघु द्विध्रुव का मतलब है कि आर बहुत बड़ा है ए से, तब लघु द्विध्रुव हो जाता है, कि अगर दूरी इतना ज़्यादा है कि द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो जाए, तो ए का उसका आर बहुत बड़ा हो जाए ए से, तो उसको लघु द्विध्रुव कहते हैं, तो इसमें क्या रख देंगे, आर का वर्ग ऋण ए के वर्ग के जगह
आर का वर्ग। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो इसको पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर का वर्ग ऋण ए का वर्ग, इसको लगभग लगभग आर का वर्ग लिख देंगे तो लघु द्विध्रुवी के लिए कितना हो गया, 1/4πε0 k और p बटे केवल r का वर्ग आ गया, तो ये किसके लिए हो गया, लघु द्विध्रुव के लिए, ठीक है क्या। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया, ये लघु द्विध्रुव के लिए हो गया। दूसरा है निरक्षी स्थिति पर, ठीक है क्या, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये है इसका निरक्षी स्थिति, ये ए है तो ये भी ए है, और ये आर दूरी पर पी पर हमें गणना करना है वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो क्यू से प्लस क्यू से इसकी दूरी कितने है, पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर का वर्ग धन ए का वर्ग, ये भी कितना आ जाएगा, आर का वर्ग धन ए का वर्ग। तो पी पर हमें वैद्युत वैद्युत विभव की गणना करना है। तो देखिए प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, वी प्लस बराबर 1/4πε0 क्यू बटे, दूरी कितनी है, दूरी है अंडर रूट आर का वर्ग धन ए का वर्ग, ठीक है क्या। माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव, जिसको हम प्रतीक चिन्ह वी माइनस से दिखा रहे हैं, बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू बटे, दूरी कितना है, अभी भी उतना ही है, आर का वर्ग धन ए का वर्ग। तो देखिए पी पर कुल विभव, पी पर कुल विभव वी बराबर वी प्लस के कारण प्लस वी माइनस के कारण 1/4πε0 क्यू बटे आर का वर्ग धन ए का वर्ग ऋण 1/4πε0, ये वाला ऋण बाहर आ गया, क्यू बटे आर का वर्ग धन ए का वर्ग, ठीक है, दोनों आपस में बराबर हैं, क्या आ गया, शून्य आ गया। तो निरक्षी स्थिति पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। पहले क्या होता था, ध्यान रखिए ये अदिश राशि है, इनको सीधा ही जोड़ा जाएगा, इनका दिशा नहीं होता, जबकि पुराने वाले केस में क्या किए थे, इसके वजह से इधर वैद्युत क्षेत्र आया है, इसके वजह से इधर वैद्युत क्षेत्र आया है, क्यों, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि था तो उनको दिशा के हिसाब से जोड़ा जाता है, लेकिन ये जो है वैद्युत विभव अदिश राशि है, इनको सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, बीजगणितीय योग किया जाता है, चिन्ह के साथ सीधा सीधा जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ा जा सकता है। तो हमने पहले प्लस क्यू के कारण निकाला, उतना ही आया धनात्मक में, माइनस क्यू के कारण निकाला, उतना ही आया ऋणात्मक में, दोनों मिलाकर क्या बना लिए, शून्य बना लिए, इसका कोई दिशा नहीं होता है। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति पर भी और निरक्षीय स्थिति पर भी, ठीक है क्या। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। समविभव पृष्ठ, जैसे कि नाम में ही लिखा है सम विभव, सम का मतलब है समान, विभव का मतलब है विभव, तो विभव समान होना चाहिए, ऐसा पृष्ठ जहाँ पर विभव समान है, सभी जगह एक ही प्रकार का, एक ही मात्रा का विभव है। देखिए क्या लिखा है, सम विभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो। अब देखिए हम अगर यहाँ पर एक बिंदु आवेश लेते हैं तो फॉर्मूला क्या है विभव का, 1/4πε0 q/r, ठीक है क्या, ये तो पूरा नियत है, ये हमने आवेश ले लिया है, तो जो समान दूरी पर स्थित होंगे, जो समान दूरी पर स्थित होंगे उस पर विभव समान होगा, q से जो समान दूरी पर स्थित हैं। देखिए जैसे कि ऐसा बना लें,
इसमें हर बिंदु Q से समान दूरी पर स्थित है, तो इसमें हर जगह विभव समान होगा। ये Q बिंदु ऐसा रखा है, तो एक गोला बना लीजिए जिसका केंद्र ये Q बिंदु हो। तो गोला में हर बिंदु उस Q से समान दूरी पर स्थित हैं, और समान दूरी पर स्थित हैं तो विभव भी समान होगा। दूसरा गोला बना लीजिए। इस पर भी हर एक बिंदु इस Q आवेश से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है क्या? तो विभव उसमें भी क्या होगा, एक समान होगा। और गोला बनाते, इस पर भी हर एक जो बिंदु है, इस सतह पर भी हर एक बिंदु है वो Q से समान दूरी पर स्थित है, तो इस पर भी विभव एक समान होगा। ये सारे समविभव पृष्ठ है। ऐसे सारे संकेंद्री गोले समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। ऐसे सारे संकेंद्री गोले, ये सब क्या है, संकेंद्री गोले, ये सब समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। पर ध्यान रखिए, ये कम दूरी पर है, ये ज़्यादा दूरी पर है, ये और ज़्यादा दूरी बढ़ने पर विभव कम हो जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ विभव 15 इकाई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 10 इकाई होगा, यहाँ पर 5 इकाई होगा, ठीक है। यहाँ पर हर जगह 15 इकाई है इसलिए समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर हर जगह 10 इकाई है इसलिए समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर हर जगह 5 इकाई है इसलिए समविभव पृष्ठ है। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अलग अलग दूरी पर अलग अलग मान के समविभव पृष्ठ बनेंगे, ठीक है क्या? इसमें हर जगह दूरी समान है, क्यों से इसमें हर जगह दूरी समान है, तो यहाँ एक समान विभव होगा, ठीक है। इसमें भी एक समान दूरी है, लेकिन ये दूरी और ये दूरी अलग है, तो यहाँ का एक समान विभव अलग होगा, यहाँ का एक समान विभव अलग होगा, यहाँ का एक समान विभव अलग होगा, तो अलग अलग सम विभव पृष्ठ बनेंगे। तो ऐसे जितने संकेंद्री गोले बनेंगे वो क्यों से समान दूरी पर होंगे, ठीक है क्या? तो वो समविभव पृष्ठ का निर्माण करेंगे। देखिए इसका गुण, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान रहता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। हम मान ले जाए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, ये ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा रहे हैं, ठीक है क्या? तो हमने क्या पढ़ा है, वी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी बटे कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हम ले जा रहे हैं। इसी को हमने क्या लिखा था, वी ए बी को वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नॉट। ये समविभव पृष्ठ है, तो वी ए और वी बी आपस में बराबर होंगे। ए का विभव और बी का विभव समविभव पृष्ठ है, तो वी ए और वी बी आपस में बराबर होगा, तो ये शून्य आ जाएगा, ठीक है क्या? यहाँ से क्या पता चला कि डब्ल्यू ए बी बराबर भी क्या आ गया, शून्य आ गया। तो समविभव पृष्ठ में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विभव में अंतर ही नहीं आ रहा है, तो विभवांतर शून्य है। एक ही समविभव है, मतलब विभव में अंतर नहीं है, विभवांतर शून्य है, तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, बिल्कुल ये है ना, ये क्यू आवेश है, यहाँ से लंबवत बाहर की ओर निकलेगी, यहाँ से लंबवत बाहर की ओर। समविभव पृष्ठ हर जगह लंबवत होगी किसके, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये 10 इकाई वाला और 15 इकाई वाला एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, क्योंकि अगर 10 इकाई वाला ये लाइन है और 15 इकाई वाला ये लाइन है, और मान ले जाए कि काट दिए, तो कटान बिंदु पर
किसका मान लेंगे, 10 लेंगे कि 15 लेंगे, तो एक ही बिंदु पर दो माना जाएगा जो कि संभव नहीं है। तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव होता है। विद्युत चालक बनाए थे तो ऐसे इस तरीके से बनाए थे, है ना। किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, इसलिए हर एक आवेशित चालक का जो पृष्ठ रहेगा वो समविभव पृष्ठ जैसे काम करेगा। समविभव पृष्ठ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ये देखिए, वैद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत है किसके, ये है आपका समविभव पृष्ठ, और वैद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होती है। अगर वैद्युत क्षेत्र हमेशा ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी तो कोई भी घटक, वैद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक इस समविभव पृष्ठ की दिशा में ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता। मान लीजिए इस तरीके से होता वैद्युत क्षेत्र, तब क्या बोलते, एक घटक है इस दिशा में और एक घटक है इस दिशा में, तो समविभव पृष्ठ के अनुदिश क्या आ जाता, क्षेत्र आ जाता। लेकिन क्षेत्र खुद लंबवत है तो ना इधर इसका कोई घटक हो सकता है ना इधर घटक हो सकता है, यानी कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश समविभव पृष्ठ के दिशा में वैद्युत क्षेत्र का कोई घटक कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लंबवत जा रहा है। लंबवत नहीं जाता, इस तरीके से जाता तो एक घटक लंबवत होता तो दूसरा घटक जो है समविभव पृष्ठ के दिशा में होता, लेकिन सब विभव पृष्ठ की दिशा में कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा केस है ही नहीं, ये पहले से ही लंबवत है। लंबवत है तो उसके, अगर ये समविभव पृष्ठ के लंबवत है तो समविभव पृष्ठ की दिशा में किसी भी प्रकार का घटक नहीं आएगा वैद्युत क्षेत्र का। तो वही बोला है समविभव पृष्ठ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ठीक है क्या। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने सवाल रख सकते हैं, जो भी सवाल आपसे नहीं बन रहे हो, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, हर एक वीडियो के अंत में या हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, ठीक है क्या। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे ही आप लिखेंगे साइंस एंड टेक्नो तब हमारा एक लोगो आएगा, गोल्डन कलर का एस लिखा होगा, ठीक है क्या, उसमें आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे अपडेट आपको उसमें मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।